हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज की स्पीड में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि RAC टिकट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि RAC टिकट अधिकतर लोग टिकट बुकिंग करते समय या वो खुद का पर्सनल टिकट RAC टिकट बुक खुद से करते हैं या काउंटर से करवाते हैं। तो जो RAC टिकट होता है, ये RAC टिकट का सीट कब मिलता है और मिलता भी है तो क्या फुल मिलता है ना हाफ मिलता है, कौन सा RAC टिकट हमको बुक करना चाहिए, कौन सा नहीं बुक करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि एक आपको मैं एक टिकट दिखा रहा हूँ, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टिकट बुकिंग किया हुआ है, ठीक है। और इसका जर्नी डेट भी मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे कि आप इसका जर्नी डेट देख पा रहे हैं 18 अगस्त 2023 का दिखा रहा है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे, देखिए विभूति एक्सप्रेस में 12333 में गाड़ी नंबर है और विभूति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। तो इसमें आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बुकिंग स्टेटस और करेंट स्टेटस, इस टिकट को बुकिंग किया गया है, करेंट स्टेटस इसका चेक इन करिएगा तो आप देखे दिखेगा RAC 81, 80, 81, 82। और इसका बुकिंग स्टेटस जो है 86, 87, 88। इसका मतलब ये है कि ये जो RAC टिकट जो बुकिंग हुआ है, इसमें से 6 सीट जो है कन्फर्म हो चुका है, फुल्ली कन्फर्म हो चुका है, और 80 सीट जो बचा हुआ है वो अभी RAC में ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंफर्म टिकट ख़त्म हो जाता है तो रेलवे क्या करती है कि RAC टिकट देने लगती है, और RAC जब ख़त्म होती है तो आपका वेटिंग टिकट आ जाता है। लेकिन RAC में होता क्या है कि अगर आपको फुल सीट नहीं मिलता है तो आधा सीट मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि 2 पैसेंजर पर 1 सीट कन्फर्म है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे RAC टिकट बुकिंग होता है, आप भी अगर बुकिंग करते हो तो सेम ऐसे ही होता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग ये जो बुकिंग हुआ है काफ़ी ज़्यादा है, 80, 81, 80, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 100 से ऊपर भी RAC जो होता है वो कंफर्म हो जाता है। वो आपका डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीजन होता है, फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार वगैरह का टाइम रहता है ना, तो उस समय आपका 10-15 RAC भी कन्फर्म नहीं होता, जस्ट RAC ही मिलता है, मतलब हाफ सीट ही मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 86, 80 मतलब आपका करेंट स्टेटस बुकिंग स्टेटस दोनों आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मेरा जो बुकिंग हुआ है 18 तारीख को जर्नी डेट है, तो आपका ये कंफर्म कब होगा। तो आपका ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये RAC आपका कम होता है, जैसे जैसे कंफर्म होते जाता है वैसे वैसे ही मतलब कम होते जाता है। तो मैं आपको एक बार IRCTC सीरियल कनेक्ट ऐप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक मेरा जो टिकट बुकिंग हुआ है उसका मतलब RAC अभी कितना तक आ चुका है, ठीक है। तो 18 अगस्त को बुकिंग था, तो 18 अगस्त पर मैं क्लिक कर दिया। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टिकट बुकिंग था, ये आप देख पा रहे हैं तीनों आदमी मतलब जो भी तीन लोगों का बुकिंग हुआ था 86, 87, 88 करेंट स्टेटस था, अभी भी वही है, ठीक है। मतलब उसने सॉरी बुकिंग स्टेटस था 86, 87 और 88। इसका करेंट स्टेटस आप देख पा रहे हैं कि इसमें हो पा 56, 57, 58। मेरा बुकिंग था, करेंट स्टेटस जो था 80, 81 और 83, जो कि अभी कम होकर 56, 57 और 58 में आ चुका है। अब ये सीट जो है, जैसे कि ये विभूति एक्सप्रेस जो है रात को 8 बजे हावड़ा से खुलती है, जो कि इलाहाबाद जाती है प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। तो आपका 8 बजे खुलती है, तो 4 घंटा पहले जो चार्ट लगता है, ठीक है, 4 बजे करीब में जब चार्ट लगेगा तो हमको पता चलेगा उस वक्त कि मेरा सीट फुल मिला है या हाफ मिला है। अगर यही RAC आपका CNF शो होता, मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि करंट स्टेटस 56 हो रहा है, 57 हो रहा है, 58, इसके जगह पर अगर CNF शो होता है, सिर्फ CNF, कोई सीट वगैरह नहीं, तो हम एकदम श्योर हो जाते हैं कि मेरे को अब फुल सीट ही मिलेगा, कोई हाफ सीट का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी मतलब चांस जो भी है RAC का ही चांस है, पूरा फुल सीट कन्फर्म होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी आज आपका हो गया 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख, मे बी फिर भी कम होते होते 20, 22 या 10, 15 तक जो भी आ सकता है, लेकिन CNF का होता है फुल सीट और RAC का मतलब होता है आधा सीट, ठीक है। तो जिस दिन भी आप सफ़र करिएगा उसके 4 घंटा पहले आपको RAC सीट कन्फर्म होता है। अगर RAC सीट में आप सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आप उसी वक्त अपना टिकट कैंसिल करके सिर्फ आपका स्लीपर में 60 रुपया चार्ज कटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम AC का भी प्रोसेस होता है कि सिर्फ उसका वेटिंग लेसन जो चार्ज होता है वही चार्ज कट के बाद बाकी आपको रिफंड हो जाता है। अगर फिर भी आपका RAC सीट मिल गया, सीट भी मिल गया, दो लोगों को एक सीट मिला है, तो आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो ट्रेन खुलने से आधा घंटा मतलब 30 मिनट पहले भी आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा फुल रिफंड मिलेगा सिर्फ 60 रुपये स्लीपर चार्ज का जो होता है वो कट के, ठीक है। तो आई होप कि आप
सभी RAC टिकट के बारे में समझ गए होंगे। अगर अच्छा से समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर मैं अच्छा से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सो आई होप कि आप सभी को मेरी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।